हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो जी हाँ, लेकर मैं आ गई हूँ वीडियो। मैंने एडिट कर ली है और बहुत दिन से इधर उधर डिले हो रहा था, और डिले इसलिए हो रहा था कि हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ थे 2-3 दिन के लिए। अबू धाबी से आए थे हमसे मिलने के लिए, तो उसी में टाइम कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। बस मस्त मस्त खाना हम लोग बनाते थे, खाते थे और खूब सारी बातें करते थे। तो उन 2-3 दिनों में मैंने जो भी प्रिपेयर किया करवा चौथ के लिए, और जो भी दोस्तों के साथ मैंने वीडियो शूट किया, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं कढ़ी बना रही हूँ और बहुत सारी बातें कर रही हूँ फ्रेंड के साथ। तो वही वीडियो वाला क्लिप ले रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी। तो शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हेलो जी, ये देखिए मेरी फ्रेंड मिलिए अबू धाबी से मुझसे मिलने के लिए आई हैं। ये मेरी पहली फ्रेंड है दुबई में और ये भी यूट्यूबर है। मैं अपने चैनल का नाम बताओ यार। ओडिया ब्लॉगर इन यूएई। ओहो, और कितनी ग्रीनरी हम लोग घूम रहे हैं। और बहुत सालों तक हम लोग ऐसे तफरी किया करते थे। कोरोना हुआ, ये लोग अबू धाबी चले गए और हम लोग दुबई में रह गए, तो इसलिए हम लोग बिछड़ गए। आज आए हैं और इसी एरिया में रहते भी थे ना, तो वो सब मेमोरीज हमारी। और हम लोग देख रहे हैं ट्रीज, कुछ जो कि देख के मन खुश हो जाता है हमेशा। ये देखो काजल कितना अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, हार्ट शेप का मस्त एकदम टेबल। और हम और काजल मजे कर रहे हैं, यहाँ पे सारी शॉपिंग हो रही है और मजे हो रहे हैं। और आए हम लोग कबायल में, ये देखिए। क्यों काजल, मजा आ रहा है? हैं, पुराने प्लेस पे आके अबू धाबी में मजा है कि दुबई में? दुबई में अच्छा लगता है। दुबई में अच्छा लगता है आंटी का? दुबई अच्छा लगता है। अदो चलनी ये वाली ले क्या? हाँ, बड़ा वाला लेना है। शॉपिंग और फ्रेंड के साथ शॉपिंग करवा करवा चौथ मजा आ जाता है। तो इधर ही होगा ना, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ तो यार। ये देखो कलर भी है। ये तो कपड़े वाला है सर, काफी मतलब इसको इसका कुछ भी मतलब बहुत अच्छा किया जा सकता है डेकोरेशन में। शॉपिंग करके हम लोग ये देखिए मजा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्क जा रहे हैं। अभी पार्क का सीन दिखाते हैं, अभी सरप्राइज है आप लोगों के लिए। दुबई में मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है दोस्तों। शाम को बाहर निकलने का, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज जो भी है एकदम शुरू हो चुकी है। यहाँ पे समर लगभग जा चुका है और विंटर आने वाला है। और इस समय फ़िलहाल बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है। शाम को जैसे रात को ठंडी लगने लगती है, वो सब अभी नहीं है। और बारबेक्यू के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही सही है। और ये एक्टिविटी है जैसे खाना बना के शाम को वीकेंड पे हम लोग बाहर आते थे, ये शुरू से हम लोग करते हैं। और जब कुछ नहीं जानते थे दुबई में, शुरू में जब आए थे ना, तो यही हमारे फ्रेंड थे और इन्हीं के साथ हम लोग आते थे। तो वो मोमेंट हम लोग रिलीव कर रहे हैं। और इनके बच्चे भी, बच्ची भी हो गई है छोटी सी, पहले जो नई थी। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप पुराने दोस्तों से मिलते हो ना। तो ब्लॉग्स में वीडियो लेने का इतना समझ में नहीं आता, फिर भी मैंने जो लिया मैं एडिट एकदम ही नहीं कर पाई जैसा कि आप जानते हो। और ये दूसरे दिन के क्लिप है, हम लोग जा रहे हैं बरदुबई और करेंगे करवा चौथ की शॉपिंग। ये देखो भाई, आज हमारी गाड़ी में कौन कौन है? अरे भाई साहब ये देखो, हेलो, मम्मा है, पापा है और मिट्टी है, बेबी है, हेलो किटी, हेलो किटी, हेलो किटी। आज खुद ही मेरी गाड़ी में आ गई है ये। इसको मेरी मेहंदी देख के ना लग रहा है क्या लगाई मम्मी, क्या लगाई मेहंदी देख के ना। मेहंदी अच्छी नहीं लग रही है तू? देखो चलो भाई, बर दुबई की ट्रैफिक खूब रौनक लगी है दोस्तों, दिवाली की, करवा चौथ की यहाँ पे। और खूब सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं और फेस्टिवल इस साल काफ़ी टाइम बाद लोग मना रहे हैं, तो जोश बहुत हाई है सभी के। और आप भीड़ देख सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन आए हैं। मेनली दिवाली के जो शॉपिंग है सब लोग अर्ली भी करना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
और उस दिन मैं आपको बता दूं क्लिप्स मैंने नहीं लिया, दिन में मैंने बहुत प्यारी सी मेहंदी लगाई थी जो मेरी फ्रेंड ने मुझे लगाई थी, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, एक ही हाथ में लगा पाए, जैसा कि आप देख पा रहे हो उसकी भी छोटी सी बेटी है तो फुल मेहंदी लगाने में ना पूरा टाइम लगता है, लेकिन एक हाथ में लग गई बहुत बड़ी बात है। और करवा चौथ के एक दिन पहले मेहंदी लगती है, लेकिन यहाँ पे मुझे दो दिन पहले लग गई थी, मतलब मेरी मेहंदी ट्यूसडे को लगी थी। तो गजला भी मैं ले लेती हूँ यहाँ से, ये देखो क्या रौनक लगी है। चुभ रहा है, मजे आ रहे हैं काजल? पर दुबई में करवा चौथ की शॉपिंग वो भी फ्रेंड के साथ, ये कमाल है, इतना सुंदर है, ये देखो। नहीं दिवाली का भी है ना, इस टाइम बहुत सारा ऑप्शन है, ये सब देखो। हमारी फ्रेंड खूब खुश हो गई शॉपिंग करके, हैं मजा आ रहा है काजल? दिवाली का करवा चौथ का सारा डेकोरेशन एक साथ आ गया है ना। ये इसमें आप देखो 2-in-1 है, इसको आप वॉल पे ऐसे भी लगा सकते हो ऐसे भी, और इसमें दिया भी रख सकते हो उस दिन ऐसे टेबल पे सेंटर पीस की तरह, रंगोली की तरह। ये 50 का है इसमें, लेकिन सेट है ना। कितनी सुंदर सुंदर चलनी है देखो, 10-12 दिन की करवा चौथ वाली। ये कितना प्यारा है, हाँ? पीछे का प्राइस कितना है? तो थाली ही ना, ये कितने का है? ये 80 दिरहम का है, 80 दिरहम का। और ये देखो ये 90-100 का होगा, 84 का होगा। तो ये सब बहुत कॉस्टली हो जाता है ना। दिवाली के लिए ये अच्छे है ना, ये वाले मजा आया। काजल काजल तो मैं बहुत शॉपिंग कर रही हूँ और घुमा रही हूँ, मजा आ रहा है। ये देखो भैया की साहब की दुकान का नाम बताओ, बहुत फेमस यूट्यूबर है, समझ नहीं रहे हो? क्या बात, क्या बात। हमारी दुकान का नाम है अलीफा, अलीफा, हाँ अलीफा, मीना बाजार, मीना बाजार में। और ये लेस दे रहे हैं हमें काफी डिस्काउंटेड प्राइस में, आप हमारे चैनल का नाम बताइए और डिस्काउंट मिलेगा आपको ना। हाँ, स्पेशल डिस्काउंट। क्या नाम है आपका हमारे चैनल का? रचना, रचना, रचना फैमिली व्लॉग्स। अच्छा, रचना फैमिली व्लॉग, ये तो अभी आज हम सर्च करेंगे। भैया आप भी सब्सक्राइब करिए और आपकी दुकान पे हम आए हैं, तो देखिए ये बहुत ही सुंदर लेस मैंने लिया है करवा चौथ के लिए। एक बार जरा घुमा दो दुकानिया में। हाँ हाँ हाँ, दुकान में ये देखिए क्या क्या वैरायटी है भैया की दुकान में। ये तो लटकन बहुत सुंदर है, ये सूट का है, दुपट्टे का ना, सूट का, दुपट्टे का, ब्लाउज का, बहुत ही प्यारे हैं ये। ये देखो काजल, ये कितने के पैर है? वो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, 10 dirham में पैर है भाई। गिफ्टिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं, ये देखो। अच्छा, सारे लटकन के ऑप्शन काजल, ये देखिए बहुत ही सुंदर है लेस, हर वैरायटी के हैं, इंडिया जैसा सारा मिल रहा है। ये देखिए इनके पास स्टफ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये लेस कितने रुपए मीटर है? रुपए पूछ रहे हैं, दिरहम कम बोलते हैं आज भी आप लोग, रुपया बोलते हो, तब तो हम ठीक है। पाकिस्तानी बांग्लादेशी, हाँ, तो हम लोग दिरहम भी कम बोलते हैं, अभी रुपये ज्यादा बोलते हैं। बोल दीजिए, इसका वीडियो में इतना टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है, रील्स का जमाना है। प्राइस की और क्या, इसकी 15 dirham मीटर है, 15 dirham। ये देखो ये भी लेस है, हा? ये भी सब लटक है, सही है भैया। देखिए गजब, ये देखो काजल भाई, आपकी दुकान में फुर्सत में आएंगे, हस्बैंड को पार्किंग नहीं मिली अभी। यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए भैया, नमस्ते भैया, चल रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों स्टफ बहुत ही कमाल का है, एक बार और नाम बताइए दुकान का, अलीफा, अलीफा, मैं बाहर से दिखाती हूँ, थैंक यू भाई। तो ये दुकान का नाम है, और ये अच्छा टेलरिंग का सारा सामान यहाँ पे मिलता है, आप लोग देख सकते हैं।
ए काजल, बस बर दुबई मीना बाजार में आके ना ये देख के जैसे होता है वाह। काजल अभी बोल रही थी थोड़ी देर के लिए लोग फ्री कर दे बस। क्या डिजाइन है यार गोल्ड में, हाँ गजब। क्या कह रहे हो? गोल्ड देख देख के तो काजल एकदम खुश हो गई है। ये वाला इयर रिंग्स देखो कितना बड़ा है ना। तो मैं सच बताऊं बर दुबई के एरिया में बहुत ज़्यादा नहीं घूमती थी पहले, लेकिन अभी मुझे समझ में आया कि अंदर अंदर अगर आप जाओगे तो इंडिया की तरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ प्राइस थोड़ा सा इंडिया से ज़्यादा होता है, लेकिन आप थोड़ा सा बारगेन भी कर सकते हो, ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये रंगोली के स्पेशली शॉप मैं दिखाना चाहती हूँ, जिसको भी साड़ी का फॉल या ब्लाउज़ मैचिंग का लेना है, जैसे मैचिंग कोई भी सूट कुर्ता कुछ भी बनवाने के लिए, तो ये रंगोली शॉप पे ही आए। ये मीना बाज़ार में है, और बाकी किसी में साड़ी का फॉल पूरे बर दुबई में मुझे तो नहीं मिला। और ये देखिए उसके बगल में ये लाइट की दुकान थी, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सुंदर लाइटें हैं। और रास्ता पूरा भूल चुके हैं हम किधर से आए थे किधर से आए किधर से जाए, लेकिन एक बात है दुबई में सब कुछ मिलता है, सिर्फ हस्बैंड लोग कहते हैं पार्किंग नहीं मिलेगी, पार्किंग नहीं मिलेगी, इसी के चक्कर में ना घुमाते नहीं। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए कितना लाजवाब, कितना सुंदर है यार काजल ये लहंगा देखो। तो सब कुछ मिलता है दुबई में, खाली पार्किंग नहीं मिलती तो इसीलिए पति लोग कहते हैं रहने दो, यहाँ नहीं मिलता, इंडिया से लेके आओ। हाँ ये कलेक्शन देखिए यार, गजब यार गजब, कितनी सुंदर सुंदर है। प्राइस ही होंगे लेकिन मिल जाता है सब कुछ। पिंक में इतने सारे सेट हैं देखो, करवा चौथ के दो दिन पहले चांद दिखा रहे हैं, और ये देखो इंडिया का चांद करीना कपूर है। और यहाँ पे दो और चांद है दोस्तों, ये देखिए। तो मीना बाजार की गलियों में घूमते हुए और दोस्तों के साथ हमें हमेशा बताती हूँ बहुत ही मज़ा आता है, और ये चांद बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखिए मीना बाजार में ये चांद दिख रहा है। हस्बैंड को पूछते हैं कहाँ हो भाई, पार्किंग के हाल देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, बुरे हाल है एकदम। हेलो किटी, हेलो किटी, मम्मी शॉपिंग कर रही है, किटी रो रही है कितनी खुश हो गई पूछ रही है किट्टी, ओ किट्टी 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 पानी पूरी पार्टी। तो अभी मैं आ गई हूँ डे टू डे, और डे टू डे आना तो बनता है क्योंकि ये हमारे आने के रास्ते में पड़ता है, और यहाँ पे आके बस मज़ा ही आ जाता है आपको, जैसे मैंने भी पहले भी बताया है डे टू डे जो करामा वाला बड़ा सा खुला हुआ है। और ये है एडीसीबी मेट्रो स्टेशन के पास, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और मेट्रो से एकदम लगा हुआ है, तो बहुत ही सही जगह पे है, और आते जाते भी पड़ता है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा है, फ्लोर 4 फ्लोर है। और यहाँ पे मैंने काफ़ी दिन से सुन रखा था कि दिवाली की चीज़ें बहुत अच्छी डेकोरेशन की और सब कुछ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ सब कुछ आया हुआ है, तो मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे मिली। और हाँ प्राइस और जगह से यहाँ पे सही था। और ये देखिए स्पेशली मुझे पसंद आया, जैसे थाली डेकोरेट करनी है, छोटी थाली बड़ी थाली प्लेट स्क्वायर आपको प्लेट है तो भी मतलब डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये मैंने लिया। और चीज़ें बस ऊपर नीचे करना थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन हर जगह फ्रेंड के साथ मैंने हर जगह तफरी कर ली। और फिर लास्ट में हम लोग आए, ये देखिए शॉपिंग में अपनी दिखा रही हूँ, खाना खाने के लिए सरवाना भवन। और यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलता है, सभी को पता है यहाँ पे तो क्वेश्चन और डाउट की बात ही नहीं है। तो बस काफ़ी रात हो चुकी थी तो बहुत सारे ऑप्शन बचे भी नहीं थे, एक्चुअली में ये भी सच्चाई थी। आई किट्टी को इडली कैसी लग रही है भाई, चुम्मी होता तो वो अभी खाली होता।
तो यहाँ पे जैसा कि मैं बोल रही हूँ बहुत सारे ऑप्शन नहीं बचे थे, रात को 11:30 हो गया था और साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को मिला है नॉर्थ इंडियन थाली और बहुत ही अच्छा था। और ये पूरियाँ देखिए, भटूरे और पूरी मिक्स जैसे लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा था, पापड़ अचार सब कुछ था और बहुत ही यमी लगा रात को भूख लगने के बाद, सब मस्त एकदम टेस्टी लगा खाना और अच्छे से हम लोगों ने खाना खाया और चल पड़े हैं घर की तरफ। और बस निकलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में। ये मॉर्निंग पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और बना रही हूँ हलवा, जो हलवा मैंने बनाया था ना माता रानी के, वो जो कन्या खिलाई थी उसमें। और यहाँ पे देखिए घी का भी मैंने बर्तन जो है वो साफ़ किया है और उसको फिर वो करोनी जो बोलते हैं वो निकाल दिया है मैंने और उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ यमी यमी हलवा और जल्दी जल्दी बना रही हूँ। पूरी रेसिपी मुझे शेयर करनी है, मुझे याद है दोस्तों, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन होता है डे टू डे लाइफ में रोज़ रेसिपीज़ बनती हैं लेकिन हर रेसिपी मैं शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। तो लगभग सिमिलर वैसा ही बनाया था क्योंकि हमारे घर कन्या आई हुई थी और इनकी भी मैंने विदाई वैसे ही की, जो भी लड़कियाँ एक्चुअली बर्थडे में भी आई थी और इनकी भी मैंने सबको वैसे ही गिफ्ट दे के और ये हलवा सबको खिलाया मैंने बर्थडे वाले दिन भी और आज भी बनाया था मैंने। तो कोई घर पे रहता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना पीना अच्छा अच्छा बनता रहता है, खूब सारी बातें होती हैं, हर चीज़ में मज़ा आता है। तो लेकिन जब वो चले जाते हैं ना तो बड़ा घर सूना हो जाता है, तो बहुत ही बुरा लग रहा था। करवा चौथ के जस्ट एक दिन पहले ये लोग गए और मुझे अपने आप को संभालना पड़ा, बड़ा मन नहीं लग रहा था मेरा। और यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ के डेकोरेशन कर रहे हैं, तो हर साल मैं नई थाली बनाती हूँ अपने मतलब घर पे बनाती हूँ ना, तो मुझे नए डिज़ाइन के मिल जाती है और छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करके और थाली लेके, ये देखिए तो थाली भी न्यू तरीके की मैं ले लेती हूँ, तो ये घर में यूज़ हो जाती है। वो वाली थालियाँ लो ना तो बहुत महंगी भी रहती हैं और वो अपने मर्ज़ी की नहीं रहती हैं, और एक साल ले लिए तो आपको हो सकता है दूसरे साल भी वही यूज़ करनी पड़े, लेकिन मेरी थालियाँ हर साल नई नहीं रहती। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में थाली अपने हाथ से बनाओ, छलनी और लोटा जो भी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, करवा चौथ वाली वीडियो में। वीडियो का इंतज़ार करिए, खूब मज़ेदार ब्लॉग बनेगा और मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दोस्तों, बाय बाय। एक हाथ रखे थे कि भाई एक हाथ थोड़ा सा लगवाएंगे इनसे, और वैसे भी बच्चे की वजह से उसको टाइम नहीं मिला ना। कितना सुंदर एक हाथ है हमारा, ये एक हाथ देखिए हमारा, एक हाथ का ये कमाल है जो कल ही लग गया था और आज ये एक हाथ में कमाल हो रहा है, ये देखिए।